तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, सॉलिड स्टेट। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट टॉपिक तो होगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स फॉर वन यूनिट सेल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेंगे हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो देखो बच्चों, जो यूनिट सेल्स हैं इनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, मींस लैटिस पॉइंट जो है उनके अरेंजमेंट के बेस पर, यहाँ पर यूनिट सेल्स को फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है प्रिमिटिव सेल और सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। ये वो सेल है, एक ऐसी क्यूबिक सेल है जिसके केवल कॉर्नर्स में लैटिस पॉइंट्स होंगे, मींस 8 कॉर्नर्स में 8 लैटिस पॉइंट्स होंगे। यूनिट सेल के किसी भी अदर पार्ट में कोई पार्टिकल नहीं होगा। यही लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 8 लैटिस पॉइंट्स एट 8 कॉर्नर्स ओनली। ओके, नेक्स्ट होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। ये वो क्यूबिक यूनिट है जिसके कॉर्नर्स में तो पार्टिकल्स होंगे ईच कॉर्नर्स में, और इसके अलावा यूनिट सेल के जो सेंटर है, बॉडी का जो सेंटर है, उसमें भी एक एडिशनल लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाई रहता है। ओके, तो इस तरह से लैटिस पॉइंट लोकेटेड एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 एडिशनल लैटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी। अभी हम डायग्राम से समझेंगे इसको। थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड मींस पॉइंट, जो लैटिस पॉइंट्स हैं लोकेटेड एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 इज सेंटर ऑफ ईच फेस। समझ गए ना कि कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल जो है ऑक्यूपाई करता है। फिर आता है फोर्थ, होता है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, EFC, मींस लैटिस पॉइंट लोकेटेड एट कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स जो है, एंड 1 इज सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, मतलब एक्सियल फेसेस, एक ही एक्सिस में आने वाली फेसेस। समझ गए ना, देखो डायग्राम से समझते हैं। ये है सिंपल क्यूबिक सेल। इस क्यूबिक यूनिट में आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स हैं लैटिस पॉइंट है, मींस ये लैटिस पॉइंट है, तो ये लैटिस पॉइंट आप देख रहे हैं केवल और केवल कहाँ दिख रहे हैं, कॉर्नर्स में, और बॉडी के किसी भी पार्ट में नहीं है। इसलिए इसको बोला गया है सिंपल क्यूबिक सेल, प्रिमिटिव सेल, क्योंकि ये हर एक यूनिट का स्केलेटन होता है, इतना तो होगा ही होगा। दूसरा है फेस सेंटर्ड, सॉरी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल आप देख रहे हैं कॉर्नर के साथ साथ, ये जो बॉडी सेंटर है मींस यूनिट सेल का जो सेंटर है, वहां पर भी एक पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है, लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट आता है FCC। आप देख रहे हैं कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये कहलाएगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये है एंड फेस सेंटर्ड, कॉर्नर्स के साथ साथ केवल एक एक्सिस की दोनों फेसेस में जो है सेंटर में एक एक पार्टिकल इस तरह से लोकेटेड होता है। तो ये कहलाएंगे कुल मिला के 4 टाइप्स के क्यूबिक यूनिट ओनली। यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है ये केवल क्यूबिक यूनिट ली गई। ओके, SCC टाइप ओनली पार्टिकल्स जो है लोकेटेड एट कॉर्नर्स ओनली, BCC पार्टिकल्स आर लोकेटेड कॉर्नर्स एंड ऑल्सो सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ यूनिट सेल, FCC कॉर्नर्स एंड ऑल्सो सेंटर ऑफ ईच फेस, वन पार्टिकल लोकेटेड, एंड EFC में आप देख रहे हैं कि कॉर्नर्स के साथ साथ दो अपोजिट फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल लोकेटेड होता है। तो कुल मिला के ये 4 टाइप्स की क्यूबिक यूनिट आपने यहाँ देखी। फिर हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल या पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर वन यूनिट, कि एक यूनिट अगर है, ठीक है, तो उस एक यूनिट में जो पार्टिकल्स हैं उनका कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसका कैलकुलेशन। तो देखो पहला पॉइंट है
कि द लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर शेयर्ड विद एट अदर यूनिट्स, देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट्स टू ईच यूनिट सेल इज 1/8। बात क्लियर है कि जो पार्टिकल, यहाँ डायग्राम से देखो आप कि जो पार्टिकल ये कॉर्नर्स में दिख रहा है उसका ऐसे 8 यूनिट सेल, इसको छोड़कर 7 और होंगी, मतलब कुल मिला के ये जो यूनिट कॉर्नर है ये 8 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट होता है, शेयर्ड होता है। तो ऐसे में जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो एक यूनिट को अपना एक्चुअल वॉल्यूम का 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करेगा। बात फिर से समझें, द पार्टिकल लोकेटेड एट कॉर्नर शेयर्ड विद 8 यूनिट्स, देयरफॉर ओनली 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट फॉर 1 यूनिट। अगर हम ये कहें कि हर एक यूनिट में, ये कॉर्नर्स में अगर देखें पार्टिकल, तो जो पार्टिकल कॉर्नर का है वो ऐसे, ठीक है, 8 यूनिट के साथ शेयर्ड है, और ऐसे में एक यूनिट को इसका जो वॉल्यूम पार्ट मिलेगा वो होगा 1/8। बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि द लैटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ फेस शेयर्ड विद 2 यूनिट्स, देयरफॉर इट कंट्रीब्यूशन टू ईच यूनिट इज 1/2। अब यहां पर देखो कि जो पार्टिकल फेस में है उसका केवल 1/2 पार्ट ही एक यूनिट को मिलेगा। बात क्लियर है, क्योंकि एक फेस दो यूनिट के कांटेक्ट में होती है, दोनों के बीच की इंटरफेस है, तो एक पार्टिकल जो फेस के सेंटर में फिट है, ठीक है, तो उस फेस सेंटर्ड पार्टिकल का आधा एक यूनिट में पार्ट जाएगा और आधा दूसरी यूनिट में, तो एक यूनिट को इसके टोटल वॉल्यूम का 1/2 पार्ट ही एक यूनिट सेल को मिलेगा। इस तरह से यही लिखा हुआ है कि द लैटेस्ट पॉइंट एट सेंटर ऑफ फेस सेंटर्ड, ठीक है, फेस से सेंटर ऑफ फेस शेयर्ड विद 2 यूनिट्स, देयरफॉर इट कंट्रीब्यूशन टू ईच यूनिट इज 1/2। थर्ड पॉइंट है द लैटेस्ट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ बॉडी नॉट शेयर्ड विद अदर यूनिट, देयरफॉर कंप्लीट शेयर विद 1 यूनिट। जो पार्टिकल यूनिट सेल के कॉर्नर में, सॉरी सेंटर में फिट है, बॉडी के कहाँ फिट है, सेंटर में, तो उसका कोई किसी अदर यूनिट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो केवल एक यूनिट का ही रहेगा, इसीलिए उसका होल पार्ट एक यूनिट को मिलेगा। तो यही लिखा गया है, ठीक है, कि लैटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी नॉट शेयर्ड विद अदर यूनिट, देयरफॉर कंप्लीट शेयर विद 1। और जो फोर्थ है, लैटिस पॉइंट ऑफ द एज सेंटर शेयर्ड विद 4 यूनिट, देयरफॉर शेयर्ड ओनली 1/4 पार्ट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल, अगर हम यहाँ देखेंगे, इसमें एक इस तरह से समझा दूं, जैसे यहाँ पर हम ये कहें कि ये है एक यूनिट, इस तरह से समझें, और अगर कोई पार्टिकल कहाँ आता है इसमें, तो इसका 4 यूनिट सेल के साथ क्या होगा बच्चों, कॉन्ट्रीब्यूशन, कि आधा पार्ट तो इसका, मतलब 1/4 पार्ट एक यूनिट में आएगा। तो इस तरह से ये जो मिलेगा ये कितना मिलेगा, 1/4 पार्ट। तो कुल मिला के ये कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छे से ध्यान रखना है, किसका कितना मिलेगा, कॉर्नर का 1/8 पार्ट, फेस सेंटर्ड पार्टिकल का 1/2 पार्ट, एज सेंटर पार्टिकल का 1/4 पार्ट, और बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल का होल पार्ट हमें एक यूनिट में आता है। तो कुल मिला के अगर हम इन यूनिट्स में देखें, तो यही मैंने लिख दिया है, जेड मतलब टोटल पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हो गया कॉर्नर पार्टिकल्स का 8 टाइम लेना है आपको, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको रख के 8 से डिवाइड कर देना है। फेस सेंटर्ड में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर देना है। एज सेंटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको 4 से डिवाइड करना है, और बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल को केवल 1 से डिवाइड करना है, तब हमें पता चलेगा एक यूनिट में कुल कितने पार्टिकल्स हैं। तो जैसे SCC में आ जाए, तो SCC में आप देखते हैं कि ओनली पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स का 1/8 और इनटू कितने हो गए टोटल, एक क्यूबिक यूनिट में कितने पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, 8, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1। BCC में आ जाए तो 1/8 × 8 कॉर्नर्स का 1/8 मिला, और एक बॉडी के सेंटर में था, तो कुल मिला के कितने हो गए, 2। FCC में आ जाए तो कॉर्नर्स में है, उनका मिला 1/8,
और फेस के सेंटर में है, जिनका मिला 1/2। और टोटल एक क्यूबिक यूनिट में 6 फेसेस होती हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 4। और ईएफसी की बात करें तो कॉर्नर्स का 1/8 और हर एक फेस का आधा मिला, तो कुल मिला के पार्टिकल्स हो गए 2। तो इस तरह से ये होता है 4 अलग अलग यूनिट्स में पार्टिकल्स का एक्चुअल पार्ट कितना आ रहा है या उनका एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो एससीसी में याद रखना है 1, बीसीसी में y मतलब 2, एफसीसी में 4, f से 4 याद रखना है, ईएफसी से 2, बीसीसी से y y मतलब 2, इस तरह से। ठीक है, प्राइमरी यूनिट सेल प्रिमिटिव है तो 1 हो। तो इस तरह से आपको इन डायग्राम से भी मैंने अच्छी तरह समझा दिया, ये कॉर्नर्स का 1/8, बॉडी सेंटर्ड का होल पार्ट, ठीक है, और फेस सेंटर्ड का हाफ पार्ट, और अगर हमें इसमें एज सेंटर की बात करें तो उसका 1/4। तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट होता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस देखो कि एक क्यूबिक यूनिट है जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, पी एंड क्यू। पी आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स एंड क्यू आर एट द सेंटर ऑफ बॉडी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। तो देखो पी कॉर्नर्स में है ऑल, तो हम कॉर्नर्स का जानते हैं कि 1/8 पार्ट मिलता है तो हो गया 1। क्यू बॉडी के सेंटर में है जिसका होल पार्ट मिलेगा तो ये हो गया 1। तो दोनों पार्टिकल्स जो हैं 1:1 रेशियो में हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया पी क्यू। बात समझ गए अच्छी तरह से। पहले हमें दोनों पार्टिकल्स का टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है अलग अलग, और फिर बस उनके नंबर ऑफ एटम्स जिस लेवल से मिल रहे हैं, जिस रेशियो में मिल रहे हैं, उसी रेशियो में आप उनका एटम्स विद सिंबल लिख दो, वही फॉर्मूला बन गया। ओके, ऐसे दूसरा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक सेल, 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो देखो बच्चों, अगर हम एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, क्योंकि इस तरह से 8 कॉर्नर्स में से हर एक कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल निकलता है जो बॉडी के सेंटर से होते हुए अपोजिट जाके कॉर्नर में टच करता है। तो ऐसे 4 अपोजिट कॉर्नर्स हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गए 4 बॉडी डायगोनल। ये लिखा है कि 1 यूनिट हैज 4 बॉडी डायगोनल, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये कहां से कहां होते हैं, तो बॉडी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर में जाते हैं बॉडी के सेंटर से होते हुए, और कुल मिला के ऐसे हो गए तो 4। और अगर आपसे कहा जाए कि फेस डायगोनल्स कितने होंगे, तो ध्यान रखें फेस डायगोनल्स होते हैं 12। यहाँ बना दिए मैंने, हर एक फेस में 2 फेस डायगोनल होते हैं जो कि 2 अपोजिट फेस के कॉर्नर्स को मिलाते हैं। तो इस तरह से ये है फेस डायगोनल। तो कुल मिला के 6 फेसेस हैं एक क्यूबिक यूनिट में, तो एक फेस में हो गए 2 फेस डायगोनल, तो 12 टोटल हो जाएंगे एक यूनिट। तो देखो क्वेश्चन है कि पार्टिकल कॉर्नर में है और फेस डायगोनल में, ईच फेस डायगोनल में 2 है। तो देखो कॉर्नर का तो हो गया 1/8 × 8, तो 8, और कुल मिला के 4 बॉडी डायगोनल थे और हर बॉडी डायगोनल में 2 पार्टिकल है, तो ये हो गए 8 और ये हो गया 1, कुल मिला के 9 पार्टिकल्स होंगे एक यूनिट में, अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट बताया गया है। ओके, फेस डायगोनल मैंने ये बना के बता दिया है। नेक्स्ट है कि पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो देखो हमें ये देखना है कि एक यूनिट जो है वो बनी हुई है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट है और लैटिस इन्हीं यूनिट से बना है। और हमने अभी आगे देखा है कि एक जो बीसीसी यूनिट होती है, उस बीसीसी यूनिट की एक यूनिट बनाने में 2 पार्टिकल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर हमें जब सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 2 ग्राम पोटेशियम में कुल कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो पहले आपने पोटेशियम के क्या निकाल लिए, सोडियम लिख दिया, ये है पोटेशियम। तो पोटेशियम में आप देख रहे हैं कि 2 ग्राम में ये इतने तो मोल हो गए, तो एटम्स 2 × 39 × n, कितने क्या हो गए इसके पास एटम्स। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर कि 2 एटम्स इक्वल टू 1 बी सी सी यूनिट, यही रखेंगे ना।
तो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो पहले हम देखें और उन पार्टिकल्स को 2 से डिवाइड करें। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो निकल आएंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल, मीन्स टोटल पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ एटम यूज फॉर 1 यूनिट प्रिपरेशन। तो ये आ गए हमारे पास 2 × 39, ठीक है, ये तो थे हमारे, और इंटू एन ए तो ये हो गए एटम्स, और 2 से डिवाइड कर दिया तो एन ए अपॉन 39 मीन्स इतने यूनिट सेल्स इसमें होंगे, 1.54 × 10^22। फिर आता है कि द क्यूबिक यूनिट कंसिस्ट ऑफ एक्स एटम एट ऑल कॉर्नर्स एंड वाई एटम्स, ठीक है, आर एट द फेस सेंटर। इफ टू पार्टिकल्स फ्रॉम कॉर्नर्स मिसिंग आउट, व्हाट इज द फॉर्मूला, कि एक एक्स और वाई से क्रिस्टल बना है जिसके एक्स एटम जो है यूनिट के कॉर्नर में है और वाई जो है वो फेस सेंटर में है, कॉर्नर्स के 2 एक्स एटम्स मिस्ड हो गए क्रिस्टल से, तो बताएं क्या फॉर्मूला बचेगा। तो जब हम एक्स निकालेंगे तो हमें एक्चुअल में 8 होने थे लेकिन बचे कितने 6, क्योंकि 2 तो मिस्ड हो गए, तो 1/8 × 6, तो ये आ गया 3/4, और वाई हो गए 1/2 × 6, क्योंकि हर एक फेस के सेंटर में है और फेस सेंटर का आधा पार्ट मिला तो हो गए 3, तो एक्स हो गए 3/4 और वाई हो गए 3। और आगे हम इसे सिंपल रेशियो में, होल नंबर रेशियो में लाएं तो दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3/12, मीन्स एक्स वाई 4। इस तरह से इसका क्या बन गया फॉर्मूला। और भी क्वेश्चन है, एक दो लिख लें यहाँ पर कि 58.5 ग्राम, ठीक है, NaCl, ठीक है, इफ, ठीक है, FCC यूनिट प्रेजेंट इन क्रिस्टल ऑफ NaCl, ठीक है, तो हाउ मैनी यूनिट्स आर प्रेजेंट इन this amount of NaCl, ठीक है, आंसर करके देखना, ये आएगा 1.5 × 10^23 यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, और एक और है कि 20 सोडियम क्रिस्टलाइजेस in HCC, sorry, BCC, BCC crystal. Calculate total number of BCC units in 46 gram of sodium. Okay. इसमें जो है 2 मोल, नहीं ये हो जाएगा आंसर, तो आएगा इसका 1 मोल यूनिट्स, ठीक है। तो ये है कुल मिला के हमारा यूनिट सेल, उसके टाइप्स, उनका कंट्रीब्यूशन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, बाकी मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।